कि यूपी में कई ऐसे बाहुबली हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सत्ता पर वो काबिज हुए हैं और सत्ता पर काबिज होकर उन्होंने शासन काफी समय तक किया है। कुछ माफिया ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लोकसभा की जंग शुरू हो चुकी है, कल पहले चरण का मतदान होना है। जंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में कई ऐसे बाहुबली हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे चेहरे ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने बलबूते सत्ता पर वो काबिज हुए हैं और सत्ता पर काबिज होकर उन्होंने शासन काफी समय तक किया है। ऐसे में बहुत सारे बाहुबलियों का नाम जो है वो सामने आता है। देखिए, उत्तर प्रदेश से अतीक अहमद, खान मुबारक, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा माहेश्वरी जैसे माफियाओं का खात्मा तो हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ माफिया ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। बुंदेलखंड के जंगलों से ददवा, ठोकिया, गौरी यादव जैसे डकैत का नाम लेवा नहीं बचा है। कुछ अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर यूपी के सियासी इतिहास में यह पहला चुनाव होगा जिसमें डकैतों और माफियाओं का दखल अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से खत्म हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। और आज एट नाइन में हम उन्हीं चेहरों के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं, जिन्हें बाहुबली कहा जाता है। लेकिन क्या वो अतीक अहमद जैसे या मुख्तार अंसारी जैसे माफिया हैं, ये जनता को तय करना है। देखिए, इस बावजूद सियासत के कई महारथी इस बार जेल के अंदर से अपनी सियासी धमक को दिखाने में जुटे हुए हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। जेल में बंद इन बाहुबलियों का दखल इस बार के चुनाव में बेहद अहम माना जा रहा है। धनंजय सिंह की अग्नि परीक्षा की बात हो रही है। इस लिस्ट में सबसे पहले और सबसे अहम नाम जो आता है वो जौनपुर जेल में बंद धनंजय सिंह का आता है। धनंजय सिंह को हाल ही में जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही धनंजय सिंह जौनपुर सीट से लोकसभा लड़ने की तैयारी में जुटे थे। धनंजय सिंह नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, लिहाजा नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने तो चर्चा तेज हुई। धनंजय सिंह भी एनडीए गठबंधन के कोटे से जौनपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। एन वक्त पर लेकिन पासा पलट गया और बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को जौनपुर से टिकट दे दिया। कृपा शंकर सिंह को टिकट मिलते ही धनंजय सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए, लेकिन उसके 2 ही दिन बाद धनंजय सिंह को सजा हो गई। अब धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में जेल में बंद धनंजय सिंह के लिए जौनपुर की लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई बन गई है। धनंजय सिंह की पत्नी बीएसपी के टिकट से मैदान में बीएसपी प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी को जिताना धनंजय सिंह के लिए राजनीतिक अग्नि परीक्षा है। यहाँ धनंजय सिंह की लड़ाई सीधे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से है जिसने मुंबई की कृपा शंकर सिंह को जौनपुर में टिकट दिया, और धनंजय सिंह कृपा शंकर सिंह को हराकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं को इसका जवाब देना चाहते हैं। हालांकि धनंजय सिंह 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। अब इसमें दूसरा सबसे बड़ा नाम जो है वो है आजम खान का, क्योंकि आजम खान की सियासी साख भी दांव पर है। देखिए, रामपुर की सियासत की धुरी रहे आजम खान के लिए चुनाव बेहद अहम है। आजम खान सीतापुर जेल में बंद है, वहीं उनकी पत्नी तंजिन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद है। अब जेल में बंद आजम खान के लिए इस चुनाव में रामपुर और मुरादाबाद की सीट पर साख दांव पर लगी है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने आजम खान की जिद पर ही एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट दिया। वहीं रामपुर का चुनाव भी आजम खान की सियासी हैसियत को तय करेगा कि आखिर मुस्लिम बाहुल्य रामपुर और मुरादाबाद में आजम खान की कितनी पकड़ है, वो कितनी पकड़ रखते हैं। अब इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अब्बास अंसारी, क्योंकि पिता के बिना ही चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के साथ साथ ये चुनाव बिना मुख्तार अंसारी के अंसारी परिवार की जनता में पकड़ को तय करेगा। ये पहला चुनाव होगा जब अंसारी परिवार के सरपरस्त और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी का दखल नहीं होगा। ये बात अलग है कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर अफजाल अंसारी लगातार सहानुभूति बटोरने की कोशिश में है। गाजीपुर सीट के साथ साथ आसपास की कई अन्य सीटों पर भी मुख्तार अंसारी की मौत का फैक्टर लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण का कारण बनना, देखिए उदयभान करवरिया गुट अपना दम दिखाने की जद्दोजहद कर रहा है।
इलाहाबाद और फूलपुर सीट पर अपने बाहुबल और ब्राह्मण वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाले उदयभान करवारिया प्रयागराज की नैनी जेल में बंद हैं। उदयभान करवारिया ने जेल में रहकर पत्नी नीलम करवारिया को भाजपा के टिकट से साल 2017 में प्रयागराज की मीजा सीट से जीत हासिल कराई थी। अतीक अहमद से नजदीकी रखने वाले करवारिया के लिए चुनाव अपने इलाके में वोट को डाइवर्ट करने की हैसियत रखता है। इलाहाबाद और फूलपुर सीट पर जीत और हार का फैसला करवारिया गुट तय कर अपनी ताकत का एहसास कराने में जुटा है। वोट बैंक प्रभावित कर सकती है इरफान सोलंकी की अपील। जी हाँ बिल्कुल, इरफान सोलंकी का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। कानपुर से समाजवादी पार्टी के नेता और मुस्लिम वोट बैंक का चेहरा इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। इरफान सोलंकी पर चल रहे केस में फैसला आना भी बाकी है। देखिए, महाराजगंज से कानपुर हर पेशी पर आए इरफान सोलंकी ने हमेशा खुद को और अपने परिवार को राजनीतिक शिकार मजलूम बताकर लोगों की जोड़ने की कोशिश की बात करी है। लोकसभा चुनाव में उनकी अपील है कि कितना वोट बैंक प्रभावित करने वाली होगी ये जरूर देखना होगा। इसके अलावा बीजेपी के खिलाफ अपने प्रभार के इस्तेमाल की कोशिश में विजय मिश्रा जुटे हुए हैं। भदोई और उसके आसपास के इलाके में विजय मिश्रा का अच्छा खासा रसूख रहा है, लेकिन इस सरकार ने विजय मिश्रा के साम्राज्य को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया था। जी हाँ, वर्तमान में विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है। इस लोकसभा चुनाव में भदोई और उसके आसपास के ब्राह्मण बहुल्य इलाकों में वोट बैंक का इस्तेमाल खुद को राजनीतिक पीड़ित बताकर बीजेपी के खिलाफ करने की कोशिश में हो सकता है। अब इसके अलावा रिजवान जहीर फैक्टर क्या बलरामपुर में काम करेगा, ये महत्वपूर्ण है। बलरामपुर लोकसभा सीट से दो बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद और तुलसीपुर विधानसभा सीट से तीन बार विधायक रहे रिजवान जहीर ललितपुर जेल में बंद है। रिजवान जहीर का बलरामपुर उसके आसपास के तराई क्षेत्रों में खासा वर्चस्व है। मुस्लिम बस्तियों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। रिजवान जहीर ने बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर अपनी बेटी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया और वहीं तुलसीपुर विधानसभा सीट पर दूसरे नंबर पर रही। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में रिजवान जहीर या उसके परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति का सीधे दखल नहीं है, लेकिन बलरामपुर सीट पर रिजवान जहीर के फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता है। तो ये थे वो चेहरे जिन पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। ये वो बाहुबली है जो जेल में बंद है, या तो इनके परिवार का कोई सदस्य या फिर इनकी पत्नियां चुनावी मैदान में हैं और कहीं ना कहीं सियासी समीकरण को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। अब देखना यह है कि क्या ये जो दम भर रहे हैं, इनकी जो बाहुबली छवि है वो जनता के बीच कामयाब हो पाएगी या इस बार कुछ और तस्वीर नजर आएगी। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।